Hello everyone, how are you? Let's come back to our channel. And I think in last class we have done with the objective and strategy. In this lecture we are going to start with two new types of planning, that is policy and procedure. Before starting with the policies, let me take some of the examples of what the policy is from NCERT only. These are the example of policy. The decision taken under a purchase policy would be in the nature of manufacturing or buying decisions. Should a company make or buy its requirement of packages? Transport services, printing or stationery, water and power supply and other items. How should vendors be selected for procuring supplies? How many suppliers should a company make purchase from? Kitne suppliers? Criteria for choosing suppliers? All this answer would be addressed by the purchase policy. The top level managers, basically they are engaged in framing the policy for the organization. These policies are helpful throughout the organization to understand what the top level management wants. In fact, I should rather say that policies are the basis for interpreting the strategies. हाँ जी, strategies को interpret करने के लिए, समझने के लिए policy को हम देखते हैं. यानी policy जो होती है वो एक base बन के काम करती है, जिसके basis पर, या फिर मैं ये बोलूँगा policy के basis पर employees या दूसरे लोग organization की strategy को समझ सकते हैं. A policy of Patanjali may be, this is an example, right? A policy of Patanjali may be to use most or all of the product as the organic product, or most of the inputs as the organic input in their production. It may be a policy for Patanjali to use the organic input, means the input which are free from chemical, from basically which are harmful for the health of the human beings or organism, they should not be used. So, ऐसे product use नहीं होंगे, ऐसे input use नहीं होंगे, ऐसे raw material use नहीं होंगे जो organic ना हो जिसमें chemicals हैं, या फिर chemical use नहीं होंगे. ये policy हो सकती है किसी Patanjali की, based upon which the employees are required to be worked. Now, basically when this policy came into view, we can interpret what strategy should be used or what strategy would be there at the टॉप लेवल मैनेजमेंट. क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई होगी, राइट, टू प्रमोट ऑर्गेनिक मटेरियल्स. तो इनकी स्ट्रेटेजी होगी कि ऑर्गेनिक मटेरियल को हम यूज करें, हम केमिकल पॉइजन रहित चीज़ों को मार्केट में सप्लाई करें. ये कैसे पता पड़ा? पॉलिसी से. तो पॉलिसी से हम स्ट्रेटेजी को समझ सकते हैं. इट मीन्स डेट पॉलिसी पर एक जनरल गाइडलाइन होती है, स्टेटमेंट होती है, जिससे जो लोअर लेवल मैनेजर, टॉप के जो नीचे लेवल्स ऑफ मैनेजर्स होते हैं, मिडिल, लोअर, सारे एम्प्लॉयज जो होते हैं, वो चीजों को समझ सकते हैं उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है. जैसे कि व्हेन यू विजिट सम ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर्स, उनकी कुछ परचेज करने पर कुछ पॉलिसी होती है कि 15 डेज तक वो रिटर्न लेंगे, उसके बाद रिटर्न नहीं लेंगे. ये पॉलिसी है, पॉलिसी पहले से ही बता दी गई. क्यों? ताकि बेटा कंफ्यूजन अवॉइड हो पाए, डिबेटेबल इश्यूज खत्म हो पाए, झगड़ा खत्म हो पाए, और एम्प्लॉयज को ये पता पड़े कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट. ये सारी चीजें पॉलिसी में आती है. तो बेसिकली पॉलिसी क्या होती है बेटा? एक गाइडलाइंस होती है, पॉलिसी एक बेसिस होती है जिससे स्ट्रेटेजी को समझा जा सकता है. पॉलिसी जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी एनर्जी को चैनलाइज करती है. सारे एम्प्लॉयज को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें पॉलिसीज में लिखी होती है, राइट. तो पॉलिसीज जो होती है वो एनर्जी को चैनलाइज करती है एक डायरेक्शन में. सारे एम्प्लॉयज की एनर्जी एक ही डायरेक्शन में चैनलाइज होती है अगर पॉलिसी है तो, ओके. इसी के साथ में आपको एक चीज और बता दूं, पॉलिसी दो तरीके की होती है. एक जो इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन होती है. यस, देखिए, पॉलिसीज मे बी रेंजिंग फ्रॉम मेजर कंपनी पॉलिसी टू मेजर कंपनीज पॉलिसीज टू माइनर पॉलिसीज. मेजर कंपनी पॉलिसी टू माइनर पॉलिसी, यानी दो पॉलिसी से मतलब रेंज होती है, मेजर पॉलिसी से लेकर के माइनर तक होती है. वो रेंज में देखो क्या आता है, मेजर कंपनी पॉलिसीज आर फॉर ऑल टू नो,
यानी मेजर कंपनी की जो पॉलिसी होती है वो कस्टमर को भी पता होगी, क्लाइंट को भी पता होगी, कॉम्पिटिटर्स को भी पता होगी, सबको पता होने वाली है, राइट। माइनर पॉलिसी जो होती है वो इनसाइडर्स के लिए होती है, जैसे माइन्यूट डिटेल होती है। यानी मैं ये बोल सकता हूँ बेटा कि मेजर पॉलिसीज आर जनरली फॉर द एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो बाहर वाले लोग हैं, और माइनर जो होती है वो इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन वाले लोगों के लिए होती है। इट मीन्स दैट मेजर पॉलिसीज में ये आ सकता है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन, मेजर पॉलिसी में ये हो सकता है रिटर्न टाइम पीरियड कितना होगा, मेजर पॉलिसी में हो सकते हैं कि अगर आप केस करते हो, देखना बहुत सारे इन्वॉइसेस बिल पर जो नीचे स्पेस होती है वहाँ लिखा रहता है सब्जेक्ट टू इंदौर जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट टू पर्टिकुलर सिटी जुरिस्डिक्शन। उसका मतलब ये होता है कि जितने भी अगर आपको कुछ केस करना है कंपनी पर, शॉप पर, कुछ भी केस है, आपको कोर्ट की कार्रवाई करनी है, तो आप उसको इस जुरिस्डिक्शन के दायरे में ही करोगे। इट मीन्स दैट आप सामान लेने से पहले नीचे बिल में देख लो, क्या देख लो कि अगर आपको कुछ हमारे ऊपर केस करना है, कुछ क्लेम करना है, तो इंदौर के जुरिस्डिक्शन में होगा, नहीं इंदौर की कोर्ट में, आप इंदौर में ही आप रिपोर्ट कर सकते हैं, इंदौर में ही इंदौर की कोर्ट में वो मुकदमा चलेगा। रिपोर्ट कहीं भी करो, मुकदमा कहाँ चलेगा, इंदौर में। उससे जो बिजनेस इंटरप्राइज होता है उनको डे टू डे बाहर नहीं जाना पड़ता। जैसे मान लो कि मुंबई से आया, उसने इंदौर में शॉपिंग करी, और इंदौर में शॉपिंग करने के बाद मुंबई चले गया, मुंबई में उसने प्रोडक्ट को यूज़ करा, यूज़ करने के बाद देखा कि उसमें से प्रॉब्लम्स हैं, उसको कुछ नुकसान हो गया। अब अगर वो मुंबई में जाकर के उस डिस्ट्रिक्ट में, उस सिटी में अगर वो FIR करता है या कोर्ट में केस करता है, तो फिर यहाँ के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनको मुंबई जाना पड़ेगा, बार बार हर तारीख पे जाना पड़ेगा कोर्ट की डेट पर। तभी वहाँ क्या लिख दिया, सब्जेक्ट टू इंदौर, ये भी एक पॉलिसी का पार्ट हो सकता है, राइट। सो दिस आर बेसिकली जो एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन को चीजें बता दी जाती है, वो क्या होगी, वो मेजर पॉलिसी होगी, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले लोगों को पता होती है वो माइनर पॉलिसी होगी। ओके, तो ये सारी पॉलिसीज होती है जिसमें डिटेल दी जाती है सर, उसमें कौन कौन सी, देखिए प्लीज ध्यान रखिए, पॉलिसीज प्रोवाइड बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटेजी, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, इसको आप भूलेंगे नहीं, विच आर यूजुअली स्टेटेड इन जनरल टर्म। जनरल टर्म यानी सभी पर एप्लीकेबल होती है, ऐसा नहीं होता स्पेसिफिक नहीं होती पॉलिसी, स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर एक पर्सन या किसी दो पर्सन पे अप्लाई नहीं, वो जनरल स्टेटमेंट होती है, वो सारे लोगों को पता हो सकती है। जनरल गाइडलाइन, दे आर गाइड्स टू मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी का किस तरीके से होगा, राइट, उसको गाइड करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारी पॉलिसीज हो सकती है, देखो रिक्रूटमेंट यानी सिलेक्शन, एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करने की पॉलिसी, रिक्रूट करने की पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी, राइट, विद इन विच ऑब्जेक्टिव आर सेट एंड डिसीजंस आर मेड। इफ दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी बिकम्स इजियर टू रिजॉल्व प्रॉब्लम, है ना, अगर पॉलिसी होती है तो प्रॉब्लम्स वगैरह इजीली और जल्दी रिजॉल्व हो जाती है। एज सच पॉलिसी इज अ जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। जैसे कुछ प्रॉब्लम आएगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट का डायरेक्शन देगा कि इसके लिए पॉलिसी बना दो। पॉलिसी बनती क्यों है, ताकि बहुत सारे जो क्वेश्चन है, जो अनएड्रेस्ड क्वेश्चन है, जो कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, जो बताना जरूरी है, वो सारी चीजें पॉलिसी में लिख दी जाती है, ताकि एक इंस्ट्रक्शन मिल जाए एम्प्लॉइज को कि हमें काम किस तरीके से करना है, और साथ ही में बाहर वालों को भी इंस्ट्रक्शन मिल जाए कि हमें काम कैसे करना है ना। 15 डेज में रिटर्न नहीं तो रिटर्न नहीं होगा, ये भी एक पॉलिसी का पार्ट। ऐसे ही परचेज पॉलिसी, सेल पॉलिसी, सप्लायर को सिलेक्ट करने की पॉलिसी, ये सब पॉलिसीज होती है, राइट। ये ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाता है ताकि उसके ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फंक्शनिंग हो पाए। लेट्स नाउ कम टू प्रोसीजर। प्रोसीजर और पॉलिसी में देखा जाए तो कोई इतना बड़ा सिमिलरिटीज नहीं है, है ना। प्रोसीजर बिल्कुल अलग है, पॉलिसीज बिल्कुल अलग है। प्रोसीजर्स क्या होते हैं, किसी भी काम को करने का जो ऑर्डर होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसीजर, है ना। ज्यादा इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रोसीजर्स आर रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटी। काम कैसे करना है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। जो रूटीन स्टेप्स होती है काम करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर, वो मैनर बता देते हैं कि काम को किस तरीके से करा जाएगा। दे आर स्पेसिफाइड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी अ प्रोसीजर फॉर रिक्विजिशन सप्लाईज बिफोर प्रोडक्शन। प्रोसीजर्स आर स्पेसिफाइड स्टेप्स टू बी फॉलोड इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांस। ये इनसाइडर के लिए होती है जनरली। स्टेप्स और एक्शन टू बी टेकन आर जनरली टू एनफोर्स अ पॉलिसी एंड टू ऑब्टेन अ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ये इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी बनी कि किसी भी सप्लायर को सिलेक्ट करने से पहले टॉप मैनेजमेंट की उस पर एक
एसेंट होगी, कंसेंट होगी, और टॉप मैनेजमेंट जब तक हाँ नहीं करेगा आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते सप्लायर को। अब कंपनी ने उसकी पॉलिसी बनाई, पॉलिसी उसके लिए एक प्रोसीजर, कंपनी ने उसके लिए एक प्रोसीजर बनाया। देखिए कैसे, पॉलिसी क्या थी कि मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट की साइन जब तक नहीं होगी हम उस ऑर्डर को, हम उस सप्लायर को फाइनल नहीं करेंगे। और ये पॉलिसी के लिए मैनेजमेंट ने क्या करा, एक प्रोसीजर बनाया। प्रोसीजर ये बनाया जिसमें एक स्टेप क्या हो मैनेजमेंट से साइन करने की, जैसे कि सबसे पहले सप्लायर जो होंगे वो कोटेशन देंगे। जैसे सपोज करिए फार्मा कंपनी, और कंपनी को अगर कुछ परचेज करना है किसी बाहर वाले पर्सन से, रॉ मटेरियल लेना है, तो ऐसे बहुत सारे पर्सन होंगे, बहुत सारे सप्लायर होंगे जिससे हम रॉ मटेरियल ले सकते हैं। इन सारे सप्लायर में से बेस्ट सप्लायर कौन सा है उसको सिलेक्ट करने से पहले क्या करेंगे, हम साइन लेंगे किसकी, टॉप लेवल मैनेजमेंट की। तो ये पूरा प्रोसीजर बना दिया कि सबसे पहले कोटेशन देंगे सप्लायर। कोटेशन मतलब एक टाइप ऑफ इनवॉइस देंगे जिसमें वो लिख करके देंगे कि सारी चीजें अभी परचेस करते हो, उसको परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं, सारी चीजें परचेस करते हो, कितना आपको हम क्वांटिटी कितने रुपए की देंगे, उसका चार्ज क्या होगा, उनकी कंडीशंस क्या होगी, कितने टाइम में सप्लाई करेंगे, है ना, क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस वगैरह सारी चीजें उसमें लिख करके देखते हैं। फिर हम उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम उनको ऑर्डर देते हैं। तो प्रोसीजर डिसाइड कर दिया कि सबसे पहले सप्लायर क्या करेगा, कोटेशन देगा, कोटेशन जो होगा उसको मिडिल मैनेजर जो होगा वो सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करने के बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास वो फाइल जाएगी जिसमें टॉप मैनेजमेंट उसको अच्छे से देखेगा, अगर टॉप मैनेजमेंट एग्री होगा तो उस पर साइन करके वो सप्लायर को सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज सप्लायर को सिलेक्ट नहीं करा जाएगा। तो पॉलिसी क्या थी कि सप्लायर बिना किसी टॉप मैनेजमेंट की परमिशन के सिलेक्ट नहीं होगा। उसके बेसिस पे एक ऐसा प्रोसीजर बना दिया जिसमें सारे स्टेप्स डाल दिए, जिसमें एक स्टेप को डाल दिया गया कि मैनेजमेंट से साइन करवाना जरूरी है। तो क्या आपको नहीं लगता पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए प्रोसीजर बन गया? हाँ सर, पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए प्रोसीजर बन गया। तो पॉलिसी को कैरी आउट कैसे करना है, उसकी जो स्टेप्स होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसीजर। सर ये दोनों सेम नहीं है क्या? बिल्कुल सेम नहीं बेटा, ये दोनों बहुत ही अलग है, क्योंकि प्रोसीजर एक सपोर्टिव एलिमेंट है किसके लिए, पॉलिसी के लिए, राइट। पॉलिसी नहीं होगी तो फिर प्रोसीजर थोड़ा सा मुश्किल होगा बनाना। प्रोसीजर बनता ही क्यों है, पॉलिसी को कैरी आउट करने के लिए। देखिए, प्रोसीजर्स आर स्टेप्स टू बी कैरीड आउट विद इन अ ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। पॉलिसी के फ्रेमवर्क में, पॉलिसी की स्ट्रक्चर में प्रोसीजर को हम इनबिल्ट करते हैं, उसको इन्वॉल्व करते हैं ताकि पॉलिसी का कैरी आउट जो है वो अच्छे से हो पाए। ओके, आज यहीं रुकते हैं हम विद दिस प्रोसीजर एंड पॉलिसीज, है ना। तो पॉलिसी और एक बार मैं रिवाइज करा दूं, पॉलिसीज क्या होती है सर? इट इज अ जनरल स्टेटमेंट। क्यों होती है? इट चैनलाइज द एनर्जी ऑफ एम्प्लॉइज इन अ कॉमन डायरेक्शन, इट बिकम्स द बेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी, राइट। और प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है सर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टेप्स होते हैं जिसमें किसी भी एक्टिविटी को हम कैरी आउट करेंगे। जनरली जो प्रोसीजर होते हैं वो पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। हाँ, पॉलिसीज जो बनती है उसको सपोर्ट करने के लिए प्रोसीजर बने रहते हैं, यानी पॉलिसी के जनरल और ब्रॉड फ्रेमवर्क में आपको क्या करना पड़ता है, प्रोसीजर बनाने पड़ते हैं ताकि पॉलिसी को हम अच्छे से कैरी आउट कर पाए। ओके, इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे विद मोर टाइप्स ऑफ प्लान नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, इसको रीड करके जरूर आना प्लीज। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, टिल दैट टाइम।